नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार बर्थे और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला में आज आमला सारणी क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर योगेश पंडागरे ने प्रेस वार्ता कर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के 2 वर्ष के सफलतम कार्यकाल पूरा करने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व के कारण आज समूचे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। पत्रकारों के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जवाब देते उन्होंने कहा कि हवाई पट्टी से लेकर बस स्टैंड तक तथा रेलवे पटरी से लेकर तहसील कार्यालय तक सड़क निर्माण कार्य शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 मार्च को पुनः टेंडर प्रक्रिया होगी। इंडियन न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सरकार जिस तरह से 2 बार से अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, इसमें सरकार की जो पहली प्राथमिकता रही है वो लगभग इस पर 6,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट दर्ज है और लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा का सामान का विक्रय इनके माध्यम से किया गया है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें संभागीय स्तर पर 10 मॉडल ITI और समय की मांग के अनुरूप ट्रेड्स का प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। जो हमारे परंपरागत बिजनेस होते हैं उनका उनके उन्नयन के लिए भी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। जैसे हमारे कुछ परंपरागत, जैसे हमारे यहाँ जो जातिगत आधार पे या हमारे परंपरागत जो कार्य होते हैं, जिसमें नाई, बढ़ाई, लोहार, चर्मकार, माटी कलाकार, इनका भी कौशल उन्नयन के लिए सरकार कुछ योजनाएं ला रही है, ताकि जो परंपरागत इनके कार्य है इनको और कुशलता से क्रियान्वित किया जा सके, ताकि इन लोगों के आर्थिक रूप से भी ये सुदृढ़ हो और उनके कार्यों को हर जगह सराहा जा सके। रोजगार मेलों के आयोजन हम देख रहे हैं कि हर माह इनको आयोजित किया जा रहा है और इनके माध्यम से अभी तक के जो रोजगार मेले आयोजित किए गए उसमें लगभग 80,000 लोगों को कंपनियों से ऑफर लेटर मिले हैं। रोजगार पोर्टल के माध्यम से भी लगभग 45,000 प्रवासी श्रमिकों को स्थायी रोजगार मिला है और मनरेगा के माध्यम से 28 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार का सृजन किया गया है। और जैसे अभी कई बार सरकारी नौकरियों में भी अभी बात की